अब तुम सोचोगे कि तुम्हारी रोशनी खो गई और तुम एक तारीक रात में अकेले रह गए हो। बहुत अंधेरा है ना, तुम्हें लगता है कि तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो हमें इसका अंदाजा नहीं। हम अकेले नहीं जिनके साथ ये हुआ। जान अल्लाह की है, वही देता है और वापस भी ले लेता है। सब अल्लाह का है, वो इम्तिहान लेता है। अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब इसी इम्तिहान से गुजरे थे। इसी तरह की एक अंधेरी रात में पहले उनके चचा अबू तालिब और फिर खतीजा दोनों विसाल फरमा गए। वो सबसे पहले ईमान लाने वाली थी। जो कुछ था उनके पास आप पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। चट्टान की तरह खड़ी हमेशा उनका साथ देने वाली हजरत खतीजा बीमार थी। रसूल अल्लाह की आंखों से आंसू जारी थे। उनके आंसुओं पे कुर्बान जाए। हजरत खतीजा ने अबू तालिब की वफात की खबर सुनी। उन्होंने रसूल खुदा की दिलजोई फरमाने की कोशिश की जबकि वो खुद बीमार थी। इतने खूबसूरत हमारे पैगंबर रो रहे थे। वो अपने चचा और अपनी जोजा के लिए रो रहे थे। आप हिचकियों से रो रहे थे, इतनी की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। मक्का रो रहा था, मदीना रो रहा था, पूरा आलम रो रहा था। बुरान राज जाहिर हो गया राज जाहिर है ना। रो लो बुरान, रो लो अपने आंसुओं के बहाव से। अपने सीने में दहकती हुई आग को बुझा डालो। राज जाहिर हो गया, कोई भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी गुंचा भी इस दुनिया से चली गई। रब की तरफ से बुलावा था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। यही वो राज है। आदम सिर्फ मट्टी से नहीं बना, आदम के लिए दुख भी लाजिम है। हम इंसान हैं, जितना चाहे दुख बर्दाश्त कर ले। रो लो बोरान, रो लो, रो लो। नेस्तोर, तुम हमेशा मेरे दाएं बाजू रहे, मेरे राजदार, मेरे सबसे भरोसामंद आदमी। ये वादा है मेरा तुमसे, जिस किसी ने भी इतनी हिम्मत करके अपनी हदों को पार किया है, अब उन्हें मैं अपनी हद दिखाऊंगा। कसम खाता हूं, समोइल, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेस्तोर का जनाजा इसके शाया निशान होना चाहिए। जो आपका हुक्म। उसके बाद तुम सोच जाओगे और जो बारूद हमने तैयार किया तुम पादरी ग्रेगोर के हवाले करोगे। मैं सोत को जहन्नुम की तरह जलते देखना चाहता हूं।
मेरी गुंजा, तुम शहादत पाकर भी मेरे अंदर जिंदा हो, मुझे इस बेहतर दुनिया में अकेला छोड़कर खुद तुम चली गई। इस तकलीफ को ताकत बनाकर सारे काफिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। इस मिट्टी के तले तुम्हारे हर गुजरे दिन के बदले वादा करता हूं कि हर काफिर को जमीन में काट दूंगा मैं। और वादा करता हूं कि उस काफिर से शुरू करूंगा जिसने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। कसम खाता हूं मैं। चलो मेरे हुजूर, मुझे भी ले चले। बोराम, जाओ वापस कबीले, आराम करो कुछ देर। इस तलवार को चला के तसल्ली मिलेगी, अपनी गुंजा का इंतकाम लिए बगैर मुझ पर तसल्ली हराम है। हाय माशाल्लाह, मेरे सिपाहियों को यही जेब देता है। आ जाओ। या उस्मान साहब, तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तुमने उनसे तिजारत कर ली। आपको तकलीफ पहुंची तो क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंची थी? खुद को तमाम कबाइल का सरदार समझते हैं, हुक्म सादर कर देते हैं और जो इत्तबा नहीं करते उनके काफिरों पर हमला कर देते हैं। मसला सिर्फ कारवां का नहीं है या सिर्फ ये तिजारत का नहीं है, ये गद्दारी कहलाती है। मैंने गद्दारी नहीं की उस्मान साहब, जो किया अपने कबीले के लिए किया। ठीक है, आ जाओ। वाह वाह वाह।
सिपाहियों, खैरियत तो है उस्मान साहब, हम यहां पर क्यों मिल रहे हैं? तरकीब है ये। बताइए मुझे, हम उन बच्चों को कैसे बचाएंगे? यही सबब है यहां आने का। तकफूरों को यकीन दहानी करवाओ कि तुम उनके साथ हो। इसी तरकीब से बच्चों को हम बचा सकते हैं। खैमों में रहते हैं हम लोग और हरकत भी हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन तकफूरों के कलों में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि उन्होंने भागने के लिए खुफिया सुरंगें बनाई होती हैं। मार्तलोज और बेलजिक कले के दरमियान खुफिया रास्तों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुरंग बावर्ची खाने से निकलती है। आप जाएंगे और हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे। वो रास्ता खोलने के लिए काफले के साथ किले में दाखिल हो जाऊंगा। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें एतमाद में लेने के लिए उन लोगों के साथ हम भी खेल खेलेंगे। आप ठीक तो आए हुजूर? ठीक हूं। चलो, इसका हिसाब लेकर रहूंगा सरदार उस्मान। इस जैसा बहादुर ही उस्मान को रोक सकता है। जनाब रोगातूस बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब हम बिल्कुल महफूज हैं। चलो निकलें, हमें बेलजिक जाना है। चलें। क्या तुम लोग नहीं खाओगे? मेरे ख्याल से खा लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें तरबियत गाह में ले जाया जाएगा तो तुम्हें वहां खाने से परहेज करना होगा। नहीं खाना। और कौन सी तरबियत गाह? एक अच्छे ईसाई राहिब को हमेशा थोड़ा खाना चाहिए। जाहिर है तुम लोगों के लिए मुश्किल होगी। पी लो फौरन। पियो इसे। हम सब मुसलमानों के सीनों में अल्लाह ताला का नूर होता है। जो मर्जी करना है कर लो, हमारे दिल कैसे बदलोगे? हाँ, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इस कदर पर यकीन मत हो छोटे तुर्क। तुम चाहे हमें जिंदा दफना दो, लेकिन मिलेगा तुम्हें फिर भी कुछ नहीं। हमारे दिलों में ईमान है। हम तुर्क हैं और तुर्क ही मरेंगे। तुर्क हैं हम, तुर्क मरेंगे। तुर्क हैं हम, तुर्क मरेंगे।
तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी मारी। मैं यहाँ सिर्फ काफलों की आमद के बारे में जानने आई हूँ। क्या तुम्हें तुर्गुत की कामयाबी पर भरोसा है? तुर्गुत एक ताकतवर और अकलमंद आदमी है। खुशामदीद तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब खुशामदीद, हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। अपना वादा पूरा कर चुका हूं, काफला सही सलामत पहुंच चुका है। लेकिन आप तो जख्मी है काफी। तुर्गुत, तुर्गुत साहब क्या हुआ आपको? तुर्गुत साहब ये इस तरह यहाँ क्यों खड़ा है? इसको कहें हकीम को बुलाएं। सिपाहियों जाओ, जाकर हकीम को बुला कर लाओ। हिम्मत करें, आराम से उठाओ, जल्दी करो। काई कबीले के उस्मान साहब ने काफले पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। तुर्गुत साहब ने अपनी जान पे खेल के हमारे माल की हिफाजत की है। इसका मतलब हमारी खातिर उस्मान से लड़ाई मोल ली है तुमने। मतलब मेरी सोच तुम्हारे लिए गलत थी, तुम मेरे सिपाही हो। बच्चों की तरबियत शुरू करवाने के लिए फौरन तरबियत गाह भेजना चाहिए। तुर्कों को खत्म करने वाले तुर्क, इन्हें बहुत जल्दी तरबियत देनी होगी। उनको जरूर भेजा जाएगा तरबियत के लिए, लेकिन यह इस तरह नहीं होगा जैसे तुम समझ रहे हो। उन बच्चों के दिलों में ईसाइयत का बीज बोना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये बच्चे मसीहियत के लिए लड़ने वाले कातिल बन जाएंगे। ऐसा ही होगा। यही होगा, अब यही उनकी किस्मत है। पहले उन्हें ईसाई बनाकर उनके दिलों में नफरत डालेंगे तुर्कों की। सो जल जाएगा। बिल्कुल जलेगा। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उस्मान, उस्मान पहले उस्मान और फिर उसके बाद इस इलाके से तमाम तुर्कों का सफाया कर देंगे। उस्मान मुकाबला नहीं कर पाएगा इस सूरत हाल का और बर्बाद हो जाएगा। अब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि रात तक क्या हो जाए। दुश्मन के कले के अंदर जाएंगे, ये खेल खतरनाक भी हो सकता है। हर कोई एहतियात से काम ले। हम आपके पीछे हर किस्म के तारीख रास्ते पर चल सकते हैं जनाब। जो रास्ता आप बताएंगे वही हमारी मंजिल है। हुजूर, आप बस हमें हदफ दिखा दें, हम भेड़ियों के झुंड की तरह उन पर हमला करेंगे। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह, वो जो मौत से न डरे वही तुर्क है। अब जाकर हम उन गीदड़ों के झुंड से अपने बच्चों को निकाल कर लाएंगे। आ जाओ। आ जाओ। तुर्गुत साहब, मारी
अब ठीक है? बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। परेशानी की कोई बात नहीं, कोई खास जख्म नहीं है। जो कुछ आपने हमारे लिए किया वो सच में ही काबिले तारीफ है। आपके लिए नहीं, मैंने वादा पूरा किया है अपना। खून बह रहा है। यकीनन दर्द हो रहा होगा। ये पट्टी तो हकीम ने काफी जोर से बांधी है। तुम्हें क्या पता तलवार का जख्म क्या होता है? अच्छा बताओ ये कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा? तकलीफ देना चाहती हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपका तो वैसे ही एहसान है, कितनी बार आपने मेरी जान जो बचाई है। पादरी साहब कहाँ हैं? सब खैरियत तो है? हमें एहतियात से हर कदम उठाना होगा। इसके अंदर बारूद है क्या? तैकफुर कोशिश की तरफ से पादरी साहब के लिए एक छोटा सा तोहफा। साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इतने सारे सिपाहियों के दरमियान अकेले हैं वो। दुर्गो साहब माहिर हैं अपने काम में, निडर सरदार है, कामयाब तो जरूर हो जाएगा। तुमने मुझसे मेरी गुंजा कुछ छीना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सर सलामत रहने दूंगा मैं? बहुत तकलीफ पहुंचाई तुमने, तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पहले बच्चों को बचाना होगा हमें, उसके बाद हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। बस थोड़ी ही देर में उन तुर्क बच्चों को तरबियत के लिए भेज दिया जाएगा।
आवाज आई, शैतान के चलने की आवाज। अब हम क्या करेंगे अहमद? देख लेना उस्मान साहब जरूर आएंगे, देख लेना। चलो हाँ, प्यारे बच्चों कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग यहां। जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो आप सब ईसाई बन चुके होंगे। तुमने नाम नहीं बताया ना, बहुत अच्छा नाम सोचा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा नाम एलेक्स होगा। जो कहना है कह लो, नाम बदल दोगे? उन तो नहीं बदलेगा हमारा। तुम जितना चाहे हम पर जुल्म कर लो, बदल नहीं पाओगे हमें। السلام عليكم. وعليكم السلام. करो प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लो, मेरे सबर को मत आजमाओ। खामोश हो जाओ, अपनी आवाजें बंद करो। खामोशी से चलो, चलते रहो सीधे। खामोशी से चलो। जिंदान उस तरफ है उस्मान साहब। तुर्गुत साहब यहीं रुक जाइए, काफिर इंतजार कर रहे होंगे, आप वापस चले जाइए। सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह लगे कि आप अब भी उनके साथ हैं। जंग मुबारक हो भाइयों,
शुक्रिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। सवारी तैयार है ना? देर नहीं होनी चाहिए। जी तैयार है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा। वो तुम्हारा उस्मान तुम्हें बचाने नहीं आया? मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोडूंगा, छोड़ दो हमें, हाथ हटाओ, हमें कहाँ लेके जा रहे हो? वो आ जाएंगे वो, छोड़ दो, सीधे चलते रहो, बहुत हो गया तुम लोग, हाथ हटाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, हमें क्यों लेके आए हो? अहमद, तरबियत का उन्हें हरीश उस तरबियतगाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। जल्दी करो सिपाहियों, वो ने यहां से लेकर जा रहे हैं, जल्दी करो, वक्त नहीं है। ठीक है जनाब। चलिए।
मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। मैं यहां तुम्हारे इलाज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था और तुम उस्मान की मदद कर रहे हो। हमारे आने का अगर पता चल गया तो इसका हिसाब भी फिर तुरगुत साहब से लिया जाएगा। यहां पर सिपाहियों की तादाद काफी है। सिपाहियों, तुरगुत साहब के लिए तैयार हो जाओ। गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम लोगों के साथ होता तो असल गद्दारी तब होती। अभी तक तुम्हें पता नहीं चल पाया रुगातूस, लोमड़ी के खिलाफ तमाम भेड़िये एक होकर मुतहद हो जाते हैं। तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। तुम सिर्फ उस्मान के आने तक जिंदा रह लो तो यही बहुत है। सिपाहियों, तुमने इसका ताकुब करके अच्छा किया। मैं जानता हूं कि तुर्क नाकाबिले एतमाद हैं। आ गए हम तुर्कुत साहब। Oh,